यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। सपोज वी डिफाइन क्वांटिटी लीनियर, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, मतलब हद से ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये तो। लीनियर मोमेंटम ऐसे मास इनटू वेलोसिटी, तुम कहोगे सर इसमें अलग क्या डिफाइन कर दिया, अलग है क्या, यही तो होता है। नहीं, ये नहीं होता। नॉर्मली जो मोमेंटम अपन डिफाइन करते हैं दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल डिफाइन करा है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ये भी बताएगा कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी क्यों डिफाइन करा, हमने मोमेंटम को वेक्टर क्यों बनाया, हमने मोमेंटम को स्केलर क्यों नहीं बनाया। वी कुड हैव डिफाइंड मोमेंटम एज मास इनटू स्पीड, अगर हम ऐसा डिफाइन करते ना तो कॉलिजन वॉलिजन कहीं काम नहीं आता, यूजलेस होता, इट वुड हैव बीन यूजलेस। अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों होता है। एससी वर्मा टू द कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो लीनियर मोमेंटम को मास इनटू स्पीड अगर हम डिफाइन करते तो क्या होगा। देखो दुनिया में द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम। उन्होंने बोला कि एक सिस्टम का मोमेंटम उस पार्टिकल में जितने भी, उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके मोमेंटम का सम होगा। मोमेंटम इज द प्लूरल ऑफ मोमेंटम, है ना। ठीक है, ये ऐसी फालतू बात, चलो आगे बढ़ते हैं। कैन वी स्टेट ए प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज ए लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल। उनका कहने का मतलब है अपनी असलियत में, अपनी दुनिया में अपना मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारा वहां पे हमने एक प्रूफ कराया प्रॉपरली, जब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इनका कहने का मतलब क्या हम यहां पर भी लगा सकते हैं, अगर मैं मोमेंटम को ये डिफाइन कर दूं इस वाले, ये जो नया मोमेंटम अपन ने डिफाइन कराया है ना, हाइपोथेटिकल मोमेंटम बोलते हैं, लेट्स कॉल इट हाइपोथेटिकल मोमेंटम। क्या इस हाइपोथेटिकल मोमेंटम में हम ये बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। एक सोचो, अब एग्जांपल खुद दिमाग लगाओ। देखो एक छोटे से एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम ऐसे हजार एग्जांपल खुद से सोच सकते हो यार। सोचो, फिजिक्स सोचने का सब्जेक्ट है। देखो मान लो दो आइडेंटिकल पार्टिकल सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें पता है रिजल्ट, पता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, पता है टकराने के बाद क्या होता है, क्योंकि हमारी दुनिया में हम रहते हैं, हमें पता है दोनों रेस्ट में आ जाते हैं। ये हमारी दुनिया है, अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, दोनों रेस्ट पे आ जाते हैं ना। पर अगर हम हाइपोथेटिकल मोमेंटम की बात करें, मैं हाइपोथेटिकल मोमेंटम लिख रहा हूं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है यहां पे? यहां पे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यहां पे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव होता है, मान लो स्मूथ है, स्मूथ मान लो ना, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम बी माइनस एम बी नहीं आएगा, क्यों? इस बार इनिशियल मोमेंटम 2mb कहलाएगा, जीरो नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि हमने मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन नहीं करा, हमने स्पीड डिफाइन करा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मोमेंटम भी mb, इसका mb। अगर हम मोमेंटम को स्केलर बना देते ना तो वो यूजलेस हो जाता, मोमेंटम वुड हैव बीन यूजलेस। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया? 2mb आ गया, हाइपोथेटिकल वाला ना, रियल वाला नहीं, हाइपोथेटिकल वाला। और फाइनल मोमेंटम दोनों रेस्ट पे आ गए, तो फाइनल मोमेंटम जीरो आ गया। तो क्या निकल के आ रहा है? इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। Although the net external force is zero, conservation of momentum hold नहीं कर रहा, initial momentum non-zero है, final momentum zero हो गया। तो हम जो conservation of momentum use करते हैं ना, उसे use नहीं कर पाते। तो कभी कभी अगर कभी दिमाग में doubt आया कि हमने momentum को ऐसा क्यों बनाया, है ना, कई बार होता है जब क्लास स्टार्ट होती है बच्चे पूछते हैं सर momentum ऐसा क्यों डिफाइन करा। मैं बोलता हूँ बेटा जब अपन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, अभी मान लें अभी ABCD सीख ले, तो अब ये वो समय है जहाँ पे तुम पूछ सकते हो momentum ऐसे क्यों डिफाइन करा, क्योंकि अब तुम्हें पता है momentum कितना यूजफुल है, उससे कितना कुछ करते हैं। और अगर हम इसकी जगह कुछ और डिफाइन करते ना तो उसको यूज नहीं कर पाते, अगर इसकी जगह कुछ और डिफाइन करते ना तो उसे यूज नहीं कर पाते। दिस इज द रीजन मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, एंड दिस इज द फीलिंग। इसको शब्दों में नहीं समझा सकते, इस तरह से समझते, फिजिक्स की फीलिंग ली जाती है, शब्दों में नहीं समझा सकते कि कैसे हुआ। नाउ दिस इज द फीलिंग कि मोमेंटम को ये क्यों डिफाइन करा हमने मास इनटू वेलोसिटी।